श्री राम समर्थ अगस्त 31। जिसके घर में संतोष है वहां मैं हूँ। कोई मनुष्य मुझसे मिला तो मैं देखता हूँ वह कितना सुखी है, उसकी और बातें मैं नहीं देखता। किंतु तुम उसकी अमीरी, विद्या, उसका मान मर्तबा वगैरह देखकर तय करते हो कि वह सुखी है या नहीं। किंतु भगवान के बिना आदमी सुखी कैसे होगा? लोगों को अमीर अच्छा लगता है तो मुझे गरीब अच्छा लगता है। लोगों को विद्वान पसंद आते हैं तो मुझे अनाड़ी पसंद है। मेरा ऐसा सब संसार के विपरीत है, किंतु इसलिए संसार से विपरीत मुझ में संतोष है। संतोष किस बात में है और कहाँ है यह मैंने खोजा है। मैं संतोष रूप हूँ। जिसके घर में संतोष है वहाँ मैं हूँ। जो मेरा है किंतु संतोषी नहीं है उसके पास रहने में मुझे कष्ट होते हैं। मैं बहुत संतोषी हूँ। वैसे ही तुम भी अत्यंत संतोषी रहो तो बस काफी है। आज तक मैंने एक ही साधन किया, किसी को दुखी नहीं किया और नाम के सिवाय और किसी भी बात का स्मरण नहीं किया। बताइए मेरे पास क्या है? न विद्या है, न पैसा है, न कला है, किंतु मैं सबसे अत्यंत निष्कपट भाव से प्रेम करता हूँ। इसीलिए लोग मुझे चाहते हैं और उन्हें लगता है कि मैं उनका आधार हूँ। संसार का स्वभाव मुझे ठीक ठीक मालूम है, इसीलिए कौन मुझे क्या कहता है इसका मैंने कभी विचार नहीं किया। मैंने केवल इतना ही सोचा कि मुझे उसे क्या कहना है। मैं जब कहता हूँ तो आप उसे सुनने के लिए पुनश्च आते हैं। इसके तीन कारण हो सकते हैं। एक, मैंने ठीक तरह से नहीं कहा होगा। दो, तुमने वह समझा नहीं होगा। या तीन, मेरा कहा तुम भूल जाते होंगे। तुम मुझसे बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से बोला करो। वैसे मुझसे कोई कैसे भी और कुछ भी बोले, मैं उसे जो मुझे कहना होता है वही बोलता हूँ। मैं किसी से जब कुछ कहता हूँ तब यदि यह मेरा मानेगा तो इसका कल्याण होगा, ऐसा भाव मेरे मन में अनायास पैदा होता है। मुझे इसका विश्वास होता है कि जो मेरी सुनेगा उसका अवश्य कल्याण होगा। किंतु कल्याण का अर्थ गृहस्थी में सुधार या प्रगति होना नहीं, बल्कि जैसी परिस्थिति हो उसमें संतोष से रहना है। अपने आदमी की गृहस्थी यानी प्रपंच में मैं उसकी मदद नहीं करूँगा ऐसा नहीं है, किंतु उसकी गृहस्थी उसके परमार्थ का प्राण हरण करेगी, इतनी मदद मैं नहीं करूँगा। ऐसी मदद यदि मैंने नहीं की तो वह रोएगा। उसकी मेरे प्रति जो श्रद्धा है वह थोड़ी कम होगी, किंतु वह जिंदा रहेगा यह निश्चित। और जीवित रहने के बाद आज नहीं तो कल वह नामस्मरण जरूर करेगा। रोगी मर जाने के बाद उसे दवा देने से क्या फायदा? मैं एक बार बीज बो रखता हूँ, आज नहीं तो कल उसका पेड़ बनेगा ही। आज का मुख्य विचार, आज तक नामस्मरण करने के सिवाय मैंने और कुछ कहा ही नहीं। जो मुझसे मिलने आता है उसके मुंह से नामस्मरण करा लेने की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करता हूँ। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय रघुवीर समर्थ।